नए मंत्रियों को पीएम मोदी का संदेश, कहा मंत्री जल्द संभाले मंत्रालय, संसद में सवाल जवाब के लिए रहे तैयार, दिल्ली में रहने का नियम बनाए। आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण से पहले संभावित मंत्रियों के साथ मोदी ने की बैठक, बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। शपथ से पहले मंत्री बनाए जाने वालों से सांसदों से नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण समेत कई दिग्गज नेता बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी के साथ चाय पर चर्चा के बाद मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी थी जो आज बैठक में की गई। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जताई खुशी और कहा आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है। गिरिराज सिंह ने भी पीएम मोदी को किया धन्यवाद, कहा काम करना सबका कर्तव्य। कांग्रेस पर भी गिरिराज ने साधा निशाना, कहा विपक्ष निर्लज्जता की सीमा पार करके कर अपनी बात करते हैं। कांग्रेस और विपक्ष निर्लज्जता की सीमा पार करके अपनी बातें कहते हैं। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी और कहा नीतीश, चिराग और मांझी किंगमेकर की भूमिका निभा रहे हैं, बिहार की जनता को उनसे उम्मीद। शपथ ग्रहण से पहले शिवराज सिंह चौहान का बयान, का देश का सौभाग्य, प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, विकसित भारत का संकल्प उनके नेतृत्व में पूरा होगा। अभिनेता रजनीकांत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में होंगे शामिल, तीसरी बार मोदी पीएम पद की ले रहे हैं शपथ। टीडीपी सांसद मुंगटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने मोदी सरकार में भागीदारी पर जताई खुशी, का यह अद्भुत है, हम इस सरकार में भागीदार बनने जा रहे हैं। मोदी कैबिनेट को लेकर बोले संतोष मांझी का बयान, कहा अगर जीतनराम मांझी को मौका मिलता है तो खुशी का मौका होगा, राजनीति में उनका अनुभव एनडीए, हम और बिहार के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत रत्न और वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश आडवाणी से शिष्टाचार मुलाकात की, शेख हसीना ने उनके नई दिल्ली आवास पर मुलाकात की। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंच रहे विदेशी मेहमान, मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पहुंचे भूटान के पीएम शेरिंग तोपके, पीएम मोदी के शपथ समारोह में शामिल। पेपर लीक गैंग पर सीएम योगी सख्त, कहा परीक्षाओं की शुचिता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए जल्द लाएंगे नया कानून। आरओ पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन ने व्हाट्सएप के जरिए भेजा था पेपर, राजीव को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। पुणे कांड में आरोपी नाबालिग के पिता पर बड़ा एक्शन, अवैध रिजॉर्ट पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, महाबलेश्वर हिल स्टेशन में कार्रवाई की गई। बीजेपी और मोदी के लिए प्रचार करने वाले रतन रंजन ने जताई खुशी, पीएम पद की तीसरी बार शपथ लेने पर कहा मोदी फिर से बन रहे हैं पीएम, उन्हें शपथ लेते देखना चाहता हूं। यूपी को गोंडा में बाइक सर्विस सेंटर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं। गोंडा में खाना बनाते समय गैस से लगी भीषण आग, आसपास के करीब 10 घर आग की चपेट में आए, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के जौनपुर में दिखा रफ्तार का कहर, टूरिस्ट बस और मैजिक की टक्कर, हादसे में बाल बाल बचे यात्री, बस में सवार थे 49 यात्री। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में भरा पानी, मौसम विभाग ने आज मुंबई, पालघर, ठाणे और नवी मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया। मुंबई के दहिसर में भी लगातार बारिश से बड़ी आफत, भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलजमाव, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी में विवाद पर बोले देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी को स्वतंत्र प्रभार की पेशकश की गई है, प्रफुल्ल पटेल का नाम फाइनल था, एनसीपी ने कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग की, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनसीपी में विवाद पर बोले हैं देवेंद्र फडणवीस की स्वतंत्र प्रभार की पेशकश की गई थी, प्रफुल्ल पटेल का नाम लगभग फाइनल था, एनसीपी ने कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग की, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
फडणवीस ने कहा एनसीपी को हमारी ओर से स्वतंत्र प्रभार मंत्री पद की पेशकश की गई थी, प्रफुल्ल पटेल का नाम भी फाइनल कर लिया गया था, लेकिन वह पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इसलिए एनसीपी नेताओं की राय है कि उन्हें राज्य मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, इसलिए इस बार उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सका, लेकिन भविष्य में उन पर विचार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भविष्य में विचार किया जाएगा इस बात का जिक्र करते हुए आपको बता दें एनसीपी को स्वतंत्र प्रभार की पेशकश की गई। और मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के चार चेहरों को देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की है 29 से 29 सीटें, वहां से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री और साथ ही चर्चा ये भी है कि नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी हो सकता है। मोदी मंत्रिमंडल में चार चेहरे मध्य प्रदेश से होंगे जिनमें शिवराज सिंह चौहान, सावित्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हमारे साथ सावित्री ठाकुर जी, उनसे बात करते हैं, आपको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सब मोदी जी की टीम में सब अच्छा काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे और आगे और अच्छे से अच्छा हो, जितना किया है हम 10 साल में और आगे तीसरी बार मोदी सरकार बनी है और अच्छा काम करें। महिलाओं की बात हमेशा प्रधानमंत्री जी करते आए हैं, आप शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आज पहुंच रही हैं, शपथ ग्रहण कर रही हैं। हमारे महिलाओं को पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी ने 50% का मध्य प्रदेश में आरक्षण दिया और आगे भी मोदी जी महिलाओं को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी नारी बंधन बिल पास करके साबित कर दिया और आगे भी हम महिलाओं के ऊपर। एक चीज और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो रिजल्ट आया उसको ना देखकर अपने काम पर फोकस करें। बिल्कुल काम पे करेंगे, काम पे क्यों नहीं करेंगे, देश का विकास करना है, तीसरी बार चौथी बार भी आगे हम अच्छे से भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू सो मच। तो सावित्री ठाकुर जी जिनसे हमने बात की, आज शपथ ग्रहण समारोह है और जो संभावित मंत्री हैं उनकी लिस्ट में सावित्री ठाकुर जी का भी नाम है।